आज का उनवान है हमारा बे। बे को पहचान तो वैसे आपको है कि बे कैसे बनाते हैं और बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज दोहराएंगे। तहजीब में अलिफ अलिफ मद आ के बाद बे आता है। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, उसकी छोटी शक्ल भी होती है, और ये इसकी जो छोटी शक्ल होती है इसे हम आधा बे या बे की आधी शक्ल कहते हैं, और ये आसानी के साथ दूसरे हरूफ से मिलकर लफ्ज बनाता है। अब यहाँ पे आपको बे के मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं कि बे के साथ जब अलिफ मिलाते हैं तो अलिफ के साथ बे की आवाज आती है बा, वाव के साथ जब हम बे को मिलाएंगे तो उसकी आवाज होगी बू, छोटी ये के साथ हम मिलाएंगे तो उसकी आवाज आ जाएगी बी, और बड़ी ये के साथ आवाज आएगी बे। अब जैसे यहाँ पे अल्फाज हैं बे अलिजबा नून वापिशनु, दोबारा पढ़े बे अलिजबा नून वापिशनु बा नो। अब अलीफ के साथ कैसी आवाज आ रही है इसकी, बा की बा नो। अब फिर है बे अलिजर बा बे अलिजर बा, मिलाइए क्या बना बा। फिर है बे अलिजर बा बे वापिश बू, क्या बना बा बू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाओ जो है वो ओ की आवाज देता है तो बा बू। अब यहाँ पे के बे अलिजर बा जीम अलिजर जा, अब मिलाइए इसको क्या बना बा जा जा। अब नीचे देखें बे अलिजर बा लाम साकिन बाल, बे अलिजर बा मीम साकिन। अब आप क्या करना है आपको कि आपको बा के साथ जो है दूसरे हरूफ जो है उनकी आवाज निकालनी है, बाल जैसे लाम की आवाज आई बाल, अब हमने पढ़ा बा, फिर है बार, फिर क्या है बान, बे अलिजर बा नून साकिन बान, बाग बे अलिजर बा गैन साकिन बाग, देखिए बा और फिर गैन की आवाज आई बाग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बे को वाव के साथ मिलाना है आपको के बू बू, आपको मालूम है ना कि वाव जो ऊ की आवाज देता है तो बू बू, बोल बोझ बूंद बोना। अब छोटी ये के साथ मिलाइए बी बी बा बी, क्योंकि छोटी ये जो है ई की आवाज देती है तो बी बी बा बी बे और बा बे। अब आपको क्या करना है, आपको बे के 10 अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पे ऊपर मैंने अल्फाज लिख के दिए हैं लेकिन अब आप बे के 10 अल्फाज लिखेंगे, तो इस तरह से आप बे की प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे शक्ल का बे बनाइए, उसकी उसके अल्फाज बनाइए। इतना ही, अल्लाह हाफिज़।